गुलरिया थाना क्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर 1 टोला तेतरिया निवासी श्री राम निषाद की पत्नी पर 10 जनवरी को फेंके जाने वाले एसिड अटैक की घटना का बुधवार को पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया, जिसमें पीड़िता का पति श्री राम निषाद ही आरोपी निकला। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे ने गिरफ्तार अभियुक्त श्री राम निषाद ने अपनी पत्नी के अवैध संबंध के शक पर उसके ऊपर एसिड अटैक किया था, जिसमें उसकी पुत्री भी झुलस गई है। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर गुलरिया पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, काम काले दूसरे बच्चे बाटे छोड़ छोड़, तो जब चेहरा खराब हो जाए तो अपन बच्चन के लिए घर कमाई खाई दूं। अच्छा, क्या डाले थे? वो तेज अवसर कहां से पाए थे? तेज दुकान से पर है, दुकान आसानी से मिल गया था? नहीं, आसानी से नहीं मिला। घमंड हमारे घर हमारे बस में नहीं रहे, पांच के बस में दूसरे बस में रहे। अच्छा, जो लोग कहा करा के है प्रभावित हो। एक बहुत गंभीर घटना हुई थी 10 तारीख की रात में, जिसमें एक पति द्वारा सोते समय अपनी पत्नी पे एसिड अटैक कर दिया गया था, जिसमें छोटी बच्ची भी घायल हुई थी। इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे थे। आज उसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे और फिलहाल आज इनको जेल भेजा जा रहा है। मुख्य बात जो है पत्नी और पति दोनों से बात करने पर यही विदित हुआ कि पारिवारिक क्लेश ही है, पारिवारिक विवाद है। पत्नी का कहना है कि ये जो है कुछ भी काम धाम नहीं करते थे, इस बात को लेकर आए दिन विवाद होता था, और इनको जो है किसी तरह से अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह होने की बात बता रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर इसके द्वारा जो है घटना कारित की गई। ये अपना एक मित्र बता रहा है जो पहले बैटरी की दुकान करता था, वर्तमान में ये इलेक्ट्रिक शॉप है। उससे ये कह के ले आए थे कि ट्रैक्टर की बैटरी ख़राब है, उसमें डालना है। तो बहुत कंसंट्रेटेड नहीं था, फिर भी जाइए लेके आए थे बहाने से। उसके खिलाफ़ हम लोग कार्रवाई करेंगे।